वेलकम टू माय चैनल चिया 26। मेरे चैनल चिया 26 में आपका स्वागत है। और आज का जो प्रोडक्ट है वो एक अनबॉक्सिंग है, और अनबॉक्सिंग करते हैं फिर देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या है। तो ये इससे पहले मैं बता दूं कि ये पार्सल जो है मैंने काफ़ी दिन पहले मंगाया था, और ये क्वारंटाइन होके रखा हुआ था, इसी तरह मैंने रख दिया था। और जो पॉली बैग में रहते हैं पार्सल, तो उनको तो मैं सैनिटाइज़ कर देती हूँ, लेकिन जो कार्डबोर्ड में है उनको मैं सैनिटाइज़ नहीं करती हूँ, उनको मैं ऐसे ही रख देती हूँ। स्प्रे थोड़ा बहुत किया और उसमें ऐसे ही काफ़ी दिन तक रख देते हैं, क्योंकि पोरस होता है, पता नहीं इसमें सैनिटाइज़र उतना काम करेगा कि नहीं काम करेगा। और वो जो मटेरियल होता है वो पोरस नहीं होता है, पॉलीथीन वाला, तो उसमें सर्वाइव करने के चांसेस कम हैं, और वो साफ़ भी सही से हो जाता है। इसलिए उसको मैं जो है सैनिटाइज करके और ले आती हूँ जल्दी ही, लेकिन इसको काफ़ी दिन छोड़ देती हूँ। तो ये काफ़ी दिन पहले का आया हुआ है, और खोलते हैं और देखते हैं। अच्छा, ये पता नहीं कब इसका वैक्सीन वगैरह आएगी, कब ये ठीक होगा। कोरोना वायरस बहुत आफत मचा रही है पूरी दुनिया में। तो खुल तो गया है, इसमें से पहले मैं ये हटा दूँ जो इसका रिसिप्ट है, क्योंकि उसमें जो है एड्रेस भी रहता है। तो ये मैंने हटा दिया, मैं आपको रेट इसका दिखा दे रही हूँ। तो ये रेट है इसका 999, और ये अब इतने का है नहीं, अभी महंगा हो चुका है। कहीं आपको मिल जाए तो ठीक है। ये 999 का मैंने मंगाया है। और अब बात करते हैं प्रोडक्ट के लिए, तो ये बॉक्स हटा देते हैं। प्रोडक्ट है ये बोया का माइक है, और क्योंकि मुझे शिकायत आ रही थी, शिकायत बहुत तो नहीं आई, एक ने कहा कि मेरी आवाज़ जो है अच्छी नहीं है, या मेरी आवाज़ साफ़ नहीं आती है इस तरीके से। तो मैंने कहा भाई आवाज़ तो मैं नहीं बदल सकती, आवाज़ तो जैसी भगवान ने दी वैसी रहेगी, लेकिन हाँ ये है कि आवाज़ की जो क्वालिटी है उसको मैं कोई माइक वगैरह कुछ इस तरह की, क्योंकि मैं चीज़ें यूज़ नहीं कर रही थी, तो उसकी वजह से उसको मैं ठीक कर लूँगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये मंगा लेते हैं। तो ये एक इस तरह का बॉक्स है, उसमें ये ऐसे टांगने के लिए यहाँ बना हुआ है, और एक इसमें मैनुअल मिली हुई है, ये मैनुअल मिला हुआ है। और इसमें रेट लिखा हुआ है 1995, 1995 इसका दाम लिखा हुआ है, लेकिन मुझे 999 का ही मिला है। एक ये मैनुअल है, एक ये गारंटी कार्ड वगैरह कुछ है, हाँ गारंटी कार्ड है, और ये इस तरह के पाउच में, बहुत बढ़िया पाउच है, मैंने नहीं सोचा था ऐसा होगा, पाउच में ये है। और इसके अंदर जो है ये माइक है, ये इसका तार है, और एक ये चीज़ है इसमें, फिर ये क्या है इसमें, काफ़ी चीज़ें दे दी हैं, इतना तो सोचे भी नहीं थे। फिर क्या है, ये एक क्लिप है माइक को फंसाने के लिए, और ये कहीं और, जैसे हमें मुझे लग रहा किसी और चीज़ में माइक लगाना हो तो उसके लिए है नहीं, अच्छा ये उसके लिए होगा, लंबा करना है तार तो उसके लिए कनेक्टर होगा ये, नहीं कुछ और है पता नहीं, रुक जाइए मैं देखती हूँ सब बताती हूँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम मंगाया है। इसमें इन्होंने पूरा मैनुअल में सब दिया हुआ है, तो अगर इसको मैं पढ़ लूँगी तब मैं आपको और पूरा अच्छे से बता पाऊँगी। तो आज तो ये अनबॉक्सिंग ही आप देख लीजिए। माइक्रोफोन है, फोम विंड स्क्रीन है, फोम विंड स्क्रीन इस पर लगी होगी, कहाँ लगी इसमें तो नहीं लगी, ये फोम विंड स्क्रीन ये है। फिर क्या है, क्लॉथिंग क्लिप, ये क्लिप है, और क्या है, वेलक्रो
बैटरी ये है, कैरिंग केस ये है, यूजर मैनुअल ये है, और इसके बारे में तो दिया भी नहीं क्या है ये। कनेक्ट करने के लिए ही है मुझे लग रहा है कुछ। इसको मैं पूरा पढ़ूंगी तब मैं आपको और अच्छे से। और 3.5 mm कनेक्टर है इसका, ये इसमें दिया। वायर की लेंथ कितनी है ये नहीं दिया है। ये तो ऐसे ही मोबाइल में, या मोबाइल में ही, मैंने तो मोबाइल के लिए लिया है, कैमरे के लिए नहीं लिया है। ये लग जाएगा। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा ये क्या है, मेरे काम का है भी नहीं इसमें। हाँ नहीं, इसी का है ये, किसी और मोड पे लगाने के लिए, जो जिसकी पेन थोड़ी थिक हो उसमें लगाने के लिए इसी का है। तो ये सारी चीजें इसमें मिली हैं, बैटरी, ये माइक विद वायर, 3.5 मीटर तार है शायद, और ये इस पे ये कवर लग जाएगा। ये एक है, ये एक क्लिप, एक ये केस, मैनुअल, गारंटी कार्ड और ये बॉक्स। अच्छा अब मैं एक चीज बता दूं कि ये एक चाइनीज प्रोडक्ट है, और मैंने काफी पहले इसको ऑर्डर किया था, लगभग 6 मंथ पहले मैंने इसको ऑर्डर किया था, और ये उसमें मेरे कार्ट में पड़ा हुआ था, इसीलिए ये सस्ता मिला है। और दूसरी चीज ये कि मेरा मन नहीं कर रहा था चाइनीज लेने का, बिल्कुल भी नहीं मन कर रहा था कि मैं नहीं लूंगी चाइनीज, लेकिन हुआ क्या कि कुछ लोग कहने लगे कि नहीं चाइनीज का बहिष्कार तो करना है, अब हमें चाइनीज नहीं लेना है। लेकिन जो लोग ले चुके हैं, जो हमारे यहाँ मतलब जो सामान हमारे देश में आ चुका है, वो अगर नहीं कोई लेगा तो जो हमारे होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, वो उनका पैसा फंस जाएगा, और वो इस विषम जो समय है उसमें उनको दिक्कत होगी, उनको जो है उनका सामान एक तो खराब भी हो जाएगा उनके पास पड़े पड़े, फिर उनको भी समय पैसे की जरूरत है, अगर उनके पास ये चीज नहीं इस तरह से होगी तो उनको दिक्कत होगी। तो मुझे भी लगा कि सही है, लेकिन हाँ अगर जो लोग इसके बाद भी आप इंपोर्ट करके ला रहे हो और हम लोग को दे रहे हो तो ये तो गलत है। हाँ अगर आपके पास पहले से पड़ा हुआ है, अब आप नहीं ला रहे हो या नहीं लाओगे तब तक ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा करो कि हम सोचे कि ये आपका पड़ा हुआ है सामान, आपका पैसा फंसा हुआ है और हमें जरूरत है तो हम मंगा ले, आपका भी काम हो जाए हमारा भी काम हो जाए, तो ठीक है, लेकिन आप अलग से मंगा के रखोगे और फिर करोगे, रिटेल करोगे तो नहीं सही है। तो ये देखिए जो कन्फेशन था मैंने कर दिया है, मुझे लग रहा था कि मुझे नहीं लेना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी देखिए मैं आपसे बात कर रही हूँ तब भी मैं थोड़ा सा असमंजस में हूँ कि मुझे करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था, लेकिन बात यही फंस रही है कि जो हमारे यहाँ के लोग हैं, हमारे जो अपने भाई हैं, वो लोग मंगा चुके हैं सामान, उनका पैसा फंस चुका है, और अगर हम ऐसा बिल्कुल बहिष्कार कर देंगे इस तरीके से तो फिर उनको दिक्कत होगी, उनका नुकसान होगा। लेकिन हाँ अगर वो सह सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, लेकिन अगर वो सेल कर रहे हैं हमें दे रहे हैं जो उनके पास है तो फिर ठीक है, तो आगे से नहीं लेंगे बिल्कुल भी चाइनीज प्रोडक्ट नहीं लेंगे बिल्कुल। मैं मना करे, खुद मना करे, और मैं खुद भी नहीं लूंगी, क्योंकि मैं इसको लेने के बाद मुझे इतना गिल्टी फील हो रहा है कि मैं क्या बताऊं। और इसके अलावा मैंने इतने सारे वो देखे कि कौन सा माइक सही रहेगा, तो लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आया था, और मैं सच में बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ, प्लीज इसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरे व्यूअर्स प्लीज मुझे माफ करिएगा कि मैंने ये गलती की है। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक।